देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। अपनी गाढ़ी कमाई का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश के इन बिजली कर्मियों ने बेहतर भविष्य के लिए सरकार को सौंपा था, वो पैसा एक कंपनी को सरकार ने सौंपा। अब पैसा जेब से फिसलता दिखा तो कर्मचारी लखनऊ के मुख्य बिजली घर के बाहर आ डटे। हम लोग की डिमांड ये है कि गजट और नोटिफिकेशन सरकार कर दे, जिसे हम लोग सुरक्षित रहे, पैसा चाहे कभी भी मिले, लेकिन गजट और नोटिफिकेशन के लिए हम लोग की मांग ज्यादा है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये बिजली विभाग का पीएफ घोटाला है क्या। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों के 2268 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आ रही है। कर्मचारियों के पीएफ से 4122 करोड़ 70 लाख रुपए तक निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी DHFCL को नियमों का उल्लंघन करके दे दिया गया। मुंबई हाईकोर्ट ने DHFCL के भुगतान पर रोक लगाई तो कर्मचारियों के भविष्य निधि के 2267 करोड़ 90 लाख रुपए फंस गए। इस मामले में यूपी पावर के प्रधान सचिव और UPPCL के चेयरमैन आलोक कुमार को हटा दिया गया और UPPCL के मैनेजिंग डायरेक्टर AP मिश्रा समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इतने बड़े घोटाले पर योगी सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। जब से दीवान हाउसिंग के अकाउंट पर मुंबई हाईकोर्ट का स्टे है और उसके बाद पैसा आना बंद हो गया, उस डेट से लेकर और आज तक जो भी हमारे कार्मिक और कर्मचारी हैं उनका जो भी उन्होंने जिसने भी अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसा मांगा है, तो UPPCL के चेयरमैन ने मुझे बताया है कि 15 करोड़ से ज्यादा हम अपने कार्मिकों को पैसा दे चुके हैं। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है, लेकिन सवाल है कि कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई का पैसा वापस कब तक मिलेगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।